अगर इंसानों के पास रोबोट हो और वो उनसे सारे काम करवाएं, उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें और तो और खुश भी रहें, तो कैसा होगा? ये इंसानों की ज़िंदगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी था। वो एक छोटे से फ्लैट में अपने दोस्त के साथ रहती थी। एक दिन वो एक रोबोटिक कंपनी में जॉब इंटरव्यू गई। कंपनी का बॉस लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो बहुत तेज़ और अकलमंद थी। बॉस ने तो उसकी फ़ौरन जॉब पर रख लिया था। उसने लूसी को अपना अगला काम भी बता दिया था जिसमें वो आने वाले नए रोबोट्स को ठीक करेगी और उन्हें बेचेगी। रास्ते में तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, जैसे उसके तो पर निकल आए हों। अब वो घर आ गई थी और घर आकर वो देखती है कि उसका दोस्त किचन में एक्सरसाइज कर रहा था, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, पर वो उसको कुछ भी नहीं बोलती। तभी उसको बाथरूम से आवाज़ आती है। बाथरूम से एक लड़की निकल कर आती है। लूसी को उस लड़की को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपने फ्रेंड को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो उसको धोखा दे रहा था। लूसी ये सब देखकर कुछ देर तक बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो कुछ भी नहीं बोलती। वो उस लड़की के जाने के बाद उसका फ्रेंड उसको देखकर बहुत परेशान हो गया था। वो कहता है, मुझे मारो, मुझे कुछ कहो, पर ऐसे तो नहीं करो। मेरे साथ वो अपना सर फ्रिज में मारता है। खुद पर इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि अपना एक एक्सरसाइज का डंबल खिड़की से बाहर फेंक देता है जो किसी की गाड़ी पर लगता है। अब उन दोनों को गाड़ी का नुकसान करने के लिए नीचे बुलाया जाता है।